हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस ब्लॉग में आपको वेयर हाउस के बारे में बताएंगे। वेयर हाउस क्या होता है, उसमें किस टाइप का काम होता है। और अभी हम आ चुके हैं मुंद्रा में, शक्ति नगर के आगे जो रसेपीर सर्कल है, वहाँ के वेयर हाउस में के बारे में आपको दिखा रहे हैं आज। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं वेयर हाउस। ये देखिए दोस्तों, ये वेयर हाउस है। अभी हम आपको ले चलते हैं वेयर हाउस के अंदर और वेयर हाउस के अंदर दिखाते हैं वेयर हाउस कैसा होता है। ये अभी कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, अभी काम चालू है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्गो स्टोरेज किया गया है। फिर ये वेयर हाउस का ऑफिस बन रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। सभी सामान बाहर पड़ा हुआ है अभी। इसके बनने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा ऑफिस दिखता है। अभी भाई आए हैं, इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे वेयर हाउस हैं। और अभी कुछ वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद ये भी चालू हो जाएंगे। ये जो वेयर हाउस है, अदानी पोर्ट का जो मेन हाईवे है, उस रूट पे ये पड़ता है। आप देखिए, ये भाई है जो हमारे साथ आए हुए हैं वेयर हाउस में, ये यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं आपको दूसरा गोडाउन दिखाने के लिए। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम लोग जा रहे हैं अभी दूसरे गोडाउन के लिए। जो रास्ता है हाईवे से बाजू का छोटा सा रास्ता है, वो तो रास्ते में लोग जा रहे हैं, जिसको सर्विस रोड बोलते हैं। अभी आएगा सबसे बड़ा प्लांट जो पूरा मुंद्रा में वाटर सप्लाई करता है, यस मिनरल वाटर, वो आएगा मुंद्रा में सबसे सबसे बड़ा में बड़ा वाटर सप्लाई करता है वो। और सामने प्लांट दिख रहा है यस मिनरल वाटर का, अभी उसका गेट भी आएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे वीडियो पे। देखिए मिनरल वाटर प्लांट, जहाँ से पूरे मुंद्रा में पानी सप्लाई होता है। पूरा मुंद्रा में नहीं, पूरा मुंद्रा का इलाका पूरा, जो भी अगल बगल के छोटे गांव है। यस मिनरल वाटर, यस मिनरल वाटर कंपनी। तो सामने दिख रहे हैं वो दूसरे गोडाउन है हमारे। तो हम आपको दूसरा वेयर हाउस दिखा रहे हैं। भाई साहब चल रहे हैं इसका लॉक खोलने के लिए। तो एंट्री करते हैं हम वेयर हाउस में। ये कोयल पड़ा हुआ है। ये फोर क्लिप है, ये फोर क्लिप 25 टन तक
हैंडल कर सकता है। इस वेयर हाउस में सीसीटीवी वगैरह भी लगी हुई है सिक्योरिटी के रीजन के लिए। बाकी कार्गो रखे हुए हैं इधर, कोयल आप देख रहे हैं, और इसको मिस्टर आशीष जी हैंडल करते हैं जो हमारे इस वीडियो में थे। आपको दिखा देते हैं, ये हैं जो पूरा वेयर हाउस अकेले हैंडल कर रहे हैं। ये जो आप कोयल देख रहे हैं, इसका यूज जो अपना फोर व्हीलर टू व्हीलर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इसी से मैन्युफैक्चर होते हैं। सबसे ज़्यादा टाटा इंडस्ट्रियल इसको यूज करता है गाड़ियों के लिए। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम मिस्टर आशीष पटेल, वेयर हाउसिंग इंचार्ज। आप देख रहे हो पीछे जो कोयल पड़ा है मेरे पीछे, वो होता है मोस्ट ऑफली इंडस्ट्रियल यूज़ में। आप जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ चलाते हो उसमें बॉडी पार्ट्स जो भी लगते हैं, बॉडी जिसमें बनती है उसमें यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफली यूज़ करता है इसको टाटा इंडस्ट्रियल, ठीक है। मेन ये पार्ट्स जाता है टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड में, वहाँ से असेंबली होके अपना इंडिया में, पूरा इंडिया में सेल्स करता है। ये मेड इन जापान है, मेड इन जापान के बन के आता है ऐसा कोयल, यहाँ से असेंबली करता है टाटा, इसको हैंडल पूरा करता है टाटा, ठीक है। आप जो भी गाड़ियाँ चला रहे हो उसमें बॉडी पार्ट्स जो भी है, ये कोयल्स का सब कुछ इसमें से मैन्युफैक्चर किया जाता है। देख लिया आप कोयल, फिर से दिखा देते हैं आपको कोयल। भाई साहब कोयल दिखा दो इसको पूरा, ये कोयल देख रहे हैं वो उसी से ही मैन्युफैक्चर दौड़ता है सब गाड़ियाँ। छोटा व्हीकल हो बड़ा व्हीकल हो जो भी व्हीकल हो इसी से ही मैन्युफैक्चर करती है पूरी टाटा फैक्ट्री। हेलो फ्रेंड, ये पीछे जो ये खड़ा है जो अपना 25 टन वाला फोर्कलिफ्ट है, ये अपन आके अपन को जो कॉयल्स दिखाया वो उठाने के लिए रखे हैं इधर में, ठीक है। अभी उसको मैं चला के दिखाता हूँ कैसे ये यूज होता है। जो आगे वाला बम्बू दिखता है वो कॉयल के बीच में घुसता है, वो उठाता है 25 टन का है वो कॉयल, मिनिमम आता है 9 टन या 10 टन का। उसको उठाने के लिए अपने को ज़्यादा वेट वाला कॉयल उठाने के लिए फोर्कलिफ्ट ज़्यादा वेट वाला चाहिए, वो 25 टन का अपन रखे, वो मैं चला के दिखाता हूँ आपको, चलो। देखिए दोस्तों कैसे कोयल को हैंडल किया जाता है, कैसे मूवमेंट किया जाता है वो आपको दिखा रहे हैं आशीष जी। तो आपको आशीष जी ने दिखाया कि कैसे हैंडल किया जाता है कोयल को फोर्कलिफ्ट के द्वारा। हम लोग चलते हैं गोडाउन से बाहर। क्या
कैसे जाते हैं। और ये है वे ब्रिज जिसमें कि गाड़ी का काटा किया जाता है, ऐसी गाड़ियों का जो वेट होता है इसी में से किया जाता है। देखिए भाई साहब, ये वे ब्रिज है और ये ऑफिस होता है जिसके अंदर सिस्टम होता है वे ब्रिज का, यहीं से ऑपरेट किया जाता है। इसमें गाड़ी खड़ी होती है और जो उसका वेट होता है वो वे किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं हम घर पे, आपको सारा वेयरहाउस देखा दिया इधर का और उधर का दोनों का, कोयल वाला और अपना पीवीसी वाला। अभी जा रहे हैं हम घर पे, खाना खाने का टाइम हो गया है, घर पे राह देख रहे हैं। ओके बाय।